नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। सोननगर से बरकाकाना वाला जो रूट है, यानी ये अपना गढ़वा रोड जंक्शन डाल्टनगंज टोरी होते हुए जो बरकाकाना तक जाता है, इस रूट की रफ्तार भविष्य में बढ़ने वाली है 130 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि पटरियों के पास जो आप ये डिवाइस देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। ये एक प्रकार का तरंग यानी फ्रिक्वेंसी छोड़ता है, जिसे लोकोमोटिव के नीचे लगा सेंसर एब्जॉर्ब करके लोको पायलट को उसकी कैबिन में इंफॉर्मेशन देता है। कैबिन में लगे डिवाइस से जिससे लोको पायलट को ये पता चलता है कि आगे का सिग्नल ग्रीन, रेड या येलो है, या फिर ट्रैक पर आगे ट्रेन है, तो ये लोकोमोटिव में अपने आप ब्रेक लगाने का भी काम करता है। तो ये डिवाइस जिस भी रूट पर आपको देखने को मिलेगा, समझ लीजिए उस रूट पर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो जैसे जैसे थर्ड लाइन का काम होता जा रहा है, ट्रैक की स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। सिगसिगी से लेकर गढ़वा रोड डाल्टनगंज होते हुए चियांकी तक ट्रिपल लाइन का काम पूरा हो चुका है, और शायद उधर भी ये डिवाइस लगाया जा चुका है। और फिलहाल में ही एक महीने से ये डिवाइस मैं यहाँ लगा देख रहा हूँ, पहले नहीं लगा हुआ था कहीं भी। तो इस रूट की रफ्तार अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी ट्रिपल लाइन का काम पूरा होने के बाद। और थोड़ा बहुत असर तो अभी से दिखने लगा है, क्योंकि पहले 45 मिनट पर एक मालगाड़ी गुजरती थी, मगर अब हर आधे घंटे या 20 मिनट पर एक मालगाड़ी गुजर रही है। और जब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हर 10-15 मिनट पर एक मालगाड़ी गुजरेगी। और ये डिवाइस बरकाकाना तक तो लगेगा ही, क्योंकि ये ट्रिपल लाइन का काम बरकाकाना तक किया जा रहा है, तो वहाँ तक ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखने को मिलेगी आपको। बाकी कितने लोग पूछेंगे कि मालगाड़ी की मैक्सिमम स्पीड तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, तो इसका क्या फ़ायदा? तो आपको इसका फ़ायदा ठंडियों के मौसम में देखने को मिलेगा, जब भयंकर कुहासे में भी ट्रेनों की रफ्तार तेज़ रहेगी, और लोको पायलट को सिग्नल न दिखने पर भी उन्हें सिग्नल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और वो अच्छी रफ्तार से ट्रेनों को चलाते रहेंगे। और इससे ट्रेनों की दुर्घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि ये TPWS सिस्टम ट्रेनों में ऑटोमेटिक यानी अपने आप ब्रेक लगाने का काम करता है, अगर पटरी पर कुछ ही दूर पर आगे दूसरी ट्रेन खड़ी हो तो। बाकी सोननगर जंक्शन स्टेशन पर इस रूट को DFC लाइन से भी जोड़ दिया गया है, यानी मालगाड़ी डायरेक्ट वहाँ से DFC लाइन में चली जाएंगी। तो धन्यवाद, ये था आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें।